दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और मुझसे ज्यादा था यहाँ पे मेरे लॉन्डो को। लॉन्डो कितनी एक्साइटमेंट हो रही, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा। सो अगर इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, तो मैंने इनको बोला था कि देखो कुछ चीज हमारे लिए भी आ रही, कुछ आपके लिए भी हमने मंगवाई है। दिवाली चली गई है बट फिर भी गिफ्ट देना बाकी है। सो हियर इट इज, एंड एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर से देखना, आंखें गाड़ के देखना, और सब कुछ कर रहे हो ना इधर उधर का कोई काम छोड़ के इस वीडियो पे करो थोड़ा सा फोकस। So here is a box of happiness from Exxon Helmets. अब हेलमेट अगर यहाँ बॉक्स पे लिखा तो अंदर क्या होने वाला है? ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया बट चलो देखो, प्यार मोहब्बत है यहाँ पे, बहुत कुछ मुझे नजर में आ रहा है। धीरे धीरे अनबॉक्स कर देना, अनलेयर कर देना। सबसे पहले तो यहाँ पे है टी शर्ट्स जिसपे लिखा है एक्सॉन, और साइज मैंने देख लिया, शायद सारे ही मेरे लिए थे, मेरे को फिट आएंगे। दूसरी चीज है, मुझे यहाँ पे एक हेलमेट बॉक्स दिख रहा है, इसको निकालते हैं। ओके ओके, यहाँ लिखा है फुल फेस हेलमेट, तो डेफिनेटली दिस इज अ फुल फेस हेलमेट। अब ये पकड़ो सर, यहाँ पे है हेलमेट नंबर टू, यहाँ पे कुछ बड़ा सा बॉक्स है बट पहले इसको साइन करते हैं, निकाल लेते हैं हेलमेट नंबर थ्री एंड हेलमेट नंबर फोर। क्या कह रही है पब्लिक, बंदे तीन है और हेलमेट चार है, ये कैसे होगा और क्या होगा बन गए रावण। क्या है मैं देखो, जितनी स्माइल आपको मेरे चेहरे पे दिख रही है ना, उससे ज्यादा किसी एक हेलमेट की ग्राफिक पे है और उससे ऊपर लड़कों की स्माइल। मतलब मैं बिहाइंड द सीन आपको दिखा दूं, देखो खुशी, देखो खुशी, मतलब रुक ही नहीं रही खुशी, मतलब ऐसे ब्लश कर रहा है ना ये लड़का। और ऑल दो कोई कहेगा हम लोग सुबह के उठे हुए, मतलब मैं तो ढंग से रात को भी नहीं सोया था, हम लोग राइड करके आए हैं, ये बाद में ज्वाइन किया था, इससे पहले पहले ब्लॉग देख लेना। सो फुल एनर्जी है बॉस अभी भी, मतलब पकड़ो जी, कर दें एक एक करके अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हेलमेट नंबर वन, लेट मी सी व्हाट इज द ग्राफिक ब्रो। ओके ओके, सो दिस इज ऑल ब्लैक, दिस इज अमेजिंग माय फ्रेंड्स। इसको मैं साइड रखता हूं क्योंकि ये इन दोनों में से किसी के लिए भी नहीं है, बट व्हाट अ कलर। दिल पे हाथ रख लो, अगर वो तुम्हारा नहीं है तो शायद ये तुम दोनों में से किसी एक का हो सकता है। रेडी, अब बारी है यहाँ पे ये वाले हेलमेट को दिखाने की। लिखा है डीसी। दिल पे हाथ रख लो क्योंकि तुम दोनों में से एक ही किसी का है। सही में क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे दांत पे सही पसंद आ गया। ओ गॉड, रे रे वाह वाह वाह, माय गॉड, आई विश ये सुंदर हेलमेट मेरा होता, बट आई एम मोर देन हैप्पी कि ये मेरा नहीं तो ये मैं ले रहा हूं। थैंक यू, तो ये मैंने तेरे हेलमेट साइज के अकॉर्डिंग मंगवाया। सही, थैंक यू भाई। तो इसको भी हटा देते हैं यहां से, इसको रख देते हैं यहां पे। अब भाई साहब, जतिन को हमने यहाँ बुला लिया है क्योंकि जतिन के बिना दिल की धड़कने बढ़ रही हैं। अब इसको समझ आ गया कि यार हर्ष को यहाँ तो जोकर वाला हेलमेट मिल गया, न्यू हेलमेट इज ऑलवेज एक्साइटिंग, इसको कौन सा ग्राफिक मिलने वाला है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो माइन, दिस इज मैट ब्लैक, दिस इज नॉट फॉर यू। अब मैंने दो ब्लैक क्यू मंगवाए, एक ग्लॉसी और एक डल, इसका रीजन मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, बट फटाफट से क्योंकि मुझसे भी नहीं रुका जा रहा चौथा हेलमेट किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी मिला है सबसे पहले तो एक वाइजर। यस, आई एम बैटमैन। रेडी रेडी गाइस, ओ माय गॉड, बैटमैन, क्या बात है भाई। मैं बाजी जतिन में चेंज कर रहा हूँ दूसरे। ये बता, चेंज करना है तो जल्दी बताओ। नो, आई विल गो विद जोकर। आर यू हैप्पी? अरे भाई, दिस इज फॉर योर साइज मैन। बाजी आपको चॉइस कैसे बता दली भाई? देखो ऐसा है, प्यार है आप लोगों का, साइजेस तो ऑब्वियसली हेलमेट्स यहाँ पे पड़े हैं ऑफिस में, तो मैं देख सकता हूँ कौन कौन सा हेलमेट पहनता है। Candy on the tree.
हेलमेट कस्टम पेंट जॉब करवा लो। सो दोस्तों, ये दो दिन छोड़ के आज हम मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अनबॉक्स कर दिया था, दोनों को हेलमेट्स बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं मेरे वाले हेलमेट्स पर्सनली। आपको कैसे लगे हैं कमेंट कर देना। अब उनको खुशियां बांट के अपने को खुश करने की बारी है, इसीलिए हेलमेट को मैंने पीछे रखा हुआ है टॉप बॉक्स के अंदर में, और मैं उसको देने वाला हूँ दिलजीत पाजी को, जो करेंगे कस्टम ग्राफिक्स, बेसिकली कस्टम पेंट जॉब ऑन दैट, एंड मैं उसको रिवील करूंगा हेलमेट को इंडिया बाइक वीक में। सो लॉट ऑफ एक्शन इनकमिंग दोस्तों। मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 6th मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा ट्रैवल है इस महीने, तो बस मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं इन बिटवीन, कुछ नए नए सरप्राइजेज हैं आप सबके लिए, दो तीन बड़े बड़े बम फोड़ेंगे, बट ओनली द थिंग इज टाइम, सब कुछ टाइम के अनुसार हो जाएगा तो बात ही क्या है। और वैसे जब मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th आई एम ट्रैवलिंग, तो पूछोगे नहीं कहाँ जा रहा हूँ? अरे पूछो पूछो। मैंने वैसे बता दिया था कि मैं मीटअप कर रहा हूँ दिल्ली में, कर रहा हूँ 6 तारीख को, इसी रोड पे पीछे क्लब कबानस है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। दूसरी चीज़ है दिल्ली मीटअप है 6 तारीख को, उसके बाद हो रहा है आगरा के अंदर, फिर लखनऊ के अंदर में, आसनसोल, बुर्दवान, कोलकाता। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एक तो बाइक चलाने को मिलेगा, वो भी किसी और की मैं अपनी बाइक नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम XBHP, तो उनका एक बड़ा रोड ट्रिप होता है, रोड ट्रिप यूनाइटेड, उसमें मैं सिर्फ 8 दिन राइड कर रहा हूँ उनके साथ में। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, छोटा सा पार्ट कर रहा हूँ फॉर अ ग्रेट कॉज। और वो ग्रेट कॉज क्या है आपको जब पता लगेगा ना, आप प्राउड फील करोगे मेरे पे, ठीक है ना। माइंडेड ब्रो, माइंडेड कॉज के लिए जुड़ रहा हूँ मैं साथ में, क्योंकि मैं भी ना कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ और करता भी रहता हूँ। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक मोटो था इस ग्रुप का, मैंने सोचा यार इट इज़ द गोल्डन चांस, बहुत दिन हो गए थे मीटअप्स नहीं किए, राइड नहीं करी, तो एक अच्छा मौका है आप सबसे मिलने का। तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ ऑलरेडी। उसके बाद शायद एक छोटा सा इंटरनेशनल ट्रिप है, छोटा सा अगर हो गया तो, उसके बाद मैं आपको पता इंडिया बाइक वीक के लिए बाय रोड निकल रहा हूँ। तो भाई बैक टू बैक ट्रैवल है, और वहाँ भी ऐसे नहीं जा रहे हम, इस बार ऐसे नहीं जा रहे, इंडिया बाइक वीक में भी हमने धमाल मचाना है, और आप भी धमाल मचाना हमारे डेली मीटअप पे। अगर आप डेली से देख रहे हो, डेली NCR से देख रहे हो, मेक श्योर हेलमेट्स ऑन, एंट्री फ्री है, ब्रेकफास्ट वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बट वेरी अफोर्डेबल है अगर आप करना चाहो तो, एंड आपके एंटरटेनमेंट का भी फुल अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे एक लाइव बैंड होगा जो सिंगिंग करेगा, और नुक्कड़ नाटक भी हो सकता है। सो इट्स गोना बी वेरी हैपनिंग फॉर श्योर, नाच गाना पार्टी बातें शाते फोटो शोटो सब होगा। वेट करो 6 नवंबर का, सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, एंड कोशिश करेंगे तो ओवरले भी डाल देंगे। एंड यहाँ पे बातें करते करते कंजेशन हो गया था, बट एनीवेज अपना स्टॉप आ गया है। ये अंकित पिज़्ज़ा खाएगा, चले पिज़्ज़ा लेके आया हूँ, गोल गोल शेप में, इटली से। जस्ट जोकिंग, कहाँ है हमारे दिलजीत पाजी? ओ पाजी, पाजी ने हमारा काट दिया है, पूछो कैसे। उन्होंने बोला जब मैंने फ़ोन किया था ना, आप हो शॉप पे, कह रहे बस पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचो। मेरे को पहुँचे हुए 10-15 मिनट हो गए, अभी मैंने दोबारा कॉल किया, बोल रहे हैं भाई आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। सैडली ये थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पाजी इसके लिए भी 1 हफ्ता बोल रहे हैं, आप समझदार हो। कब मुझे ये वापस मिलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट लेट मी टेल यू माई प्लान्स, एक बार पहले दिखा देते हैं ताकि जब ये नया बन के आएगा ना, आप पहचान नहीं पाओगे कि इसके ऊपर में क्या कलाकारी होने वाला है। पहले तो क्या ब्यूटीफुल है यार, मैट के अंदर में ना आपको, मतलब एक चीज़ बताऊँ, जब मैंने मोटो ब्लॉगिंग शुरू करी थी, बहुत कम लोगों को याद होगा, मेरे पास एक मैट ब्लैक हेलमेट था, उसमें यहाँ पे R लिखा हुआ था आगे में, और उसी के साथ में मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी, इमेजिन दैट। तो भाई देखो घूम फिर के हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बट सैडली अभी ये मैट नहीं रहेगा। मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पास ग्लॉस वाला है उसको मैं यूज़ करूँगा, और मैट के ऊपर मैं ग्राफिक करवाने वाला हूँ। आपको क्या हिंट है मैं कौन सी बाइक के साथ में इसका ग्राफिक मैच कराने वाला हूँ? एनी हिंट्स? सोच लो, अगर सही जवाब मिल गया ना मुझे कमेंट्स में, तो ये हेलमेट आपका हो सकता है तैयार होने के बाद। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता ना, आई बिलीव इन रोड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबल राइडिंग, तो यही मोटो के साथ मैं IBW निकल रहा हूँ। मुझे रास्ते में कुछ लोग दिखेंगे जिनको लगता है कि हेलमेट देना चाहिए, जिनको हेलमेट के बारे में अवेयर करना चाहिए, उनको मैं हेलमेट भी ऑन द गो गिफ्ट करूँगा। जो लोग IBW में आएंगे वहाँ भी छोटा सा गिव अवे करेंगे, मतलब पर डे 5 से ज़्यादा हेलमेट मैं गिव अवे करने वाला हूँ। ओके, तो बहुत ही आसान था इसका वाइजर निकालना, बट आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ पे पिन लॉक भी लगा हुआ है, साथ में डी फॉगर भी साथ में आता है बाय डिफॉल्ट, विच इज़ रियली गुड थिंग। वाइजर मैं साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसका काम है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है। शायद पैडिंग भी उतरेगी तो पैडिंग भी मैं ले जा सकता हूँ,
अगर डीजे पाजी होते तो मैं समझ जाता कि क्या क्या एलिमेंट मेरे को लेके जाने हैं। केसी, इनको बताओ डब्बे में क्या है, इनको बताओ डब्बे में क्या है। तो मुझे पता दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे हो कि हेलमेट्स के साथ में जो एक और बॉक्स आया था उसके अंदर में क्या है। लेट मी टेल यू, वो मैंने भी अभी तक खोल के नहीं देखा है, आपके साथ ही खोलेंगे, इसलिए वो ऑफिस में पड़ा है सेफ एंड साउंड। तो चलो वापस चलते हैं और उसको कर देते हैं अनबॉक्स। अब सुबह का बोला जब शाम को घर आता है उसे भूला नहीं, जेसन कहते हैं। तो दोस्तों इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग डे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ बाइक जा चुकी हैं, मतलब जो जीएसएम में चला रहा था उसको मैं छोड़ गया हूँ कहीं पे, आने वाले ब्लॉग्स में पता लग जाएगा। बट मुझे याद है कि मैंने वीडियो खत्म होने से पहले आपको बताना था कि इस बॉक्स में क्या है। आपके साथ साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से एक रॉ अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ओह माय गॉड, हियर इज अ जैकेट इन माय साइज फ्रॉम एक्सॉन, एंड मुझे तो यहाँ पे एक रेन कवर दिख रहा है नियॉन कलर का, जो कि बहुत ही क्लासी है, क्योंकि मेरे को याद है एक बार मेरे को ऑरेंज नियॉन कलर का था, वो लद्दाख वाले राइड पे गुम हो गया था। बट दिस इज समथिंग आई गॉना लव, यू नो, मतलब आई लव ब्राइट कलर, एंड वैसे भी सेफ्टी बहुत प्रोवाइड करते हैं। सो हेयर इज अ ब्लैक एंड रेड जैकेट विद लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिव्स, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ना ये सब रिफ्लेक्टिव है, मतलब रात में चमकेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब फटाफट से पहन के देख लेते हैं, क्योंकि सवाल यही है क्या ये मेरे साइज को, मेरे शरीर को फिट आएगा या नहीं आएगा। And again, man, what a quality! Feels awesome. And एक बार जल्दी से पहन के भी देख लेते हैं। मुझे सच्ची थोड़े दिन पहले तक नहीं पता था कि XOR ना राइडिंग गियर्स भी बनाता है अपार्ट फ्रॉम हेलमेट, बट दिस इज अ न्यू इन्फो। फिट मैन, व्हाट अ फिट, सीरियसली देखो कैसा लग रहा हूँ, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे तक। तो ऐसा ना टूरिंग जो जैकेट होता है ना उसमें लगभग पॉकेट्स ऐसे होते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत सारा सामान यहाँ आपका हैंडी हो जाता है। ऊपर से जब गर्मी लगती है ना आपको, मतलब ये क्या होता है, ऐसे आप उसको खोल सकते हो, खोलने के बाद क्या कर सकते हो, ऐसे ये आपका हवा इनटेक हो गया, ठीक है, एयर इनटेक्स खुल चुके हैं। एंड सीरियसली मैन, व्हाट अ फिट, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी प्रोटेक्टेड। और यहाँ देखो क्या लिखा है, कोडूरा फैब्रिक, मतलब ड्यूरेबल है, वर्सेटाइल है, रिलायबल है। एंड कोडूरा का आप सर्च करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, दिस इज द न्यू इन। बिग शाउट आउट यहाँ पे XOR को, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा दिन बना दिया। अब हमारी बारी है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ करने का। सो दोबारा से बोलूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर प्लानिंग फॉर यू गाइज, मीन्स GS Films एंड XOR। एंड आपको कसम लगे, मतलब कसम लगे, मिस नहीं करना इंडिया बाइक वीक, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आपका आना बनता है, वी गोना डू लॉट ऑफ गिव अवेज, लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स अराउंड रिस्पॉन्सिबल राइडिंग, सेफ्टी। सो मेक श्योर यू अटेंड द इवेंट, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक अगले ब्लॉग के साथ। इस वीडियो में खैर इतना ही, मेहनत, रहमत, प्यार, अच्छे रखो अपने विचार, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।